हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। होप आपको मेरा व्लॉगिंग चैनल काफ़ी बढ़िया लगा होगा, लेकिन आज के व्लॉग में बहुत ही कुछ अलग सा होने वाला है, क्योंकि आज मैं ले आया हूँ आप सबको अपने जीबी पाइट इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी में, जो आपको सामने दिख रहा होगा ऊपर हेडिंग लाइन में। सो गेट क्रॉस करते ही मैं आ चुका हूँ ऑडिटोरियम के सामने। भाई ऑडिटोरियम जहाँ पर हमने भी कभी कभार परफॉर्मेंस दी थी। सो भाई ये कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जो बहुत दूर पहाड़ पर है। सो यहाँ के पहाड़ों की वजह से ये इस कॉलेज की शान शोभा ये काफ़ी बढ़ा देते हैं पहाड़ यहाँ के। सो यहाँ पे एंटर करते ही आज देख रहे हो आप कितनी चहल पहल सी है, लेकिन बात एक और है जो ट्विस्ट ला देती है कि आज मैं अकेला यहाँ पे जा रहा हूँ। कभी कभार हम झुंड में काफ़ी दोस्त वगैरह चला करते थे। सो ये यहाँ पे देख रहे हो जैसे मैं एंटर किया, काफ़ी अच्छा बना रखा है इन्होंने, काफ़ी सफेदी वगैरह फूल पेड़ पौधे सब कुछ लगाए हैं और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है इस वक्त यहाँ पे। लेकिन मैं अकेला हूँ, बड़ी मुश्किल से मैंने फ़ोन निकाला और मैंने सोचा कि वीडियो शूट कर दूँ। सो मैंने जैसे ही फ़ोन निकाला, मैंने अपने आप को बहुत कम लाया है कैमरे में। सो यहाँ पे देख रहे हो आज यहाँ पे जो है वॉलीबॉल नेट भी लग गया है। यहाँ पे हमारे कबड्डी मैच भी हुआ करते थे, लेकिन आज यहाँ पे वॉलीबॉल नेट है, हमारा टाइम नहीं था। सो सामने से आप देख रहे हो यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ बद्री हॉस्टल का, जो एक नेम प्लेट लगी हुई है छोटी सी। यहाँ से आप उस साइड के लिए देख रहे हो कि श्रीनगर का कुछ एरिया आता है। सो मैं जूम करना चाहूँगा लेकिन इतना खास नज़र नहीं आ रहा, और हवा चल रही है धीरे धीरे। मैं यहाँ से मुड़ जाऊँगा, अभी गेट आएगा एक और। सो ये गेट जो है इसको क्रॉस करने से पहले मैं आपको इस साइड थोड़ा और दिखा देता हूँ। सो भाई आज मैं घुड़दौड़ी में हूँ, अकेला हूँ। सो मैंने सोचा कि भाई आज घर बैठे बैठे आपको सब कुछ दिखा दूँ। सो गेट एंटर करते ही आपको एक यहाँ के स्टैचू नज़र आ जाएगा, जो गोविंद वल्लभ पंत जी का है, जिनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है इस कॉलेज के मामले में, जिनके नाम पे ये कॉलेज बनाया गया है। सो भाई यहाँ पे देख रहे हो ये रहा ये स्टैचू, तो आज इसको भी काफ़ी साफ वगैरह किया हुआ है। यहाँ से मैं कैमरा आउटसाइड मारना चाहूँगा, यहाँ पे कोई कुछ गार्डनर है, वो कुछ पत्ते वगैरह काट रहा था, क्या सफाई वगैरह कर रहा है। सो भाई देख रहे हो यहाँ पे आज यहाँ से एंटर करूँगा अंदर एडमिन किया हो, लेकिन मैं अंदर वीडियो नहीं बना पाऊँगा, सॉरी वाले आप, क्योंकि ये मुश्किल पड़ जाएगा थोड़ा। सो एंटर करते ही मैं दूसरी साइड आ चुका हूँ। भाई आपको पता है एडमिन के उस साइड अभी जो है पहला डिपार्टमेंट आएगा, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाला डिपार्टमेंट, जो है हमारे शागिर्द थे ये साथ में रहते थे। सो इसके अलावा यहाँ पर मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, आगे चलते चलते आप देख रहे हो यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी आ चुकी है। सेंट्रल लाइब्रेरी जहाँ से बुक्स वगैरह रिन्यू करवाते थे, हमको थोड़ा पेमेंट भी करना पड़ती थी अगर इनके सामने ज़्यादा देर बुक्स रख दी अपने पास। सो इसके अलावा भाई ले चलता हूँ आपको अपने डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। भाई देख रहे हो ये डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बिल्कुल रास्ते में आता है, जहाँ से बिल्कुल आप दो चार कदम नीचे उतर के सीधे एंटर कर सकते हो। सो आज मैं अकेला आया हूँ यहाँ पे, देख रहे हो भाई कोई दिख नहीं रहा है। सो मैंने अपने डिपार्टमेंट के गेट के सामने रह के ये थोड़ा सा वीडियो शूट किया, लेकिन फिलहाल मैं वापस ऊपर जाना चाहूँगा। यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, हमारा डिपार्टमेंट खाली खाली सा पड़ा है। सो मैं ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पे देख रहे हो जब भी हम बंक वगैरह या कुछ भी पेड़ खाली रहता था, हम यहाँ पे बैठा करते थे एक साथ बस। और उसके अलावा ये वाई के सर की गाड़ी देख रहे हो यहाँ पे लगी हुई है। सो वाई के सर की गाड़ी के सामने से अभी मैं गुजरूंगा, और यहाँ पे आ रहा है हमारा डिपार्टमेंट जो है कंप्यूटर साइंस का। वहाँ से गुजरते हुए मैं होता हूँ आगे की तरफ जाऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग काफ़ी बढ़िया लगेगा, लेकिन ये व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अपने आप को कम और कॉलेज कैंपस वगैरह ज़्यादा घुमा दूँ आपको। सो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग काफ़ी बढ़िया लगेगा। लेकिन इससे पहले मैं आ चुका हूँ, जैसे ही मैंने ये थोड़ी सी दो चार कदम और आगे बढ़ाए, सो आ गया एक और डिपार्टमेंट। भाई ये रहा आप सबका अपना सिविल डिपार्टमेंट। सो सिविल डिपार्टमेंट भी काफ़ी बढ़िया डिपार्टमेंट है, ये भी बिल्कुल आते जाते यहाँ से हम नीचे कभी कभार देख लिया करते थे, हाँ भाई ये सिविल डिपार्टमेंट है। इसके अलावा मैं आपको ले चलता हूँ, थोड़ा और आगे ले चलता हूँ। सो बायोटेक डिपार्टमेंट देख रहे हो भाई, इनके साथ भी हमारे अच्छे संबंध थे बायोटेक वालों के साथ। सो बायोटेक से उतरते हुए नीचे सीढ़ियाँ, अब डायरेक्ट नीचे चला जाता हूँ मैं एकदम से।
तो यहाँ से बाहर आते ही देख रहे हो आप भाई, यहाँ पे हम सेकंड ईयर में रहा करते थे। ये हॉस्टल भी काफ़ी मस्त है, इससे भी काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं हमारी। सो साथ में ये पेड़ देख रहे हो आप भाई, इन पेड़ों पे भी काफ़ी फूल वगैरह, काफ़ी चहल पहल और बहुत बढ़िया सुंदर नज़ारा दृश्य देखने को मिलता था जब हम यहाँ पे बैठते थे। सो यहाँ से आगे आपको एक सिविल सॉरी मैकेनिकल डिपार्टमेंट दिखेगा, लेकिन वहाँ पे अभी जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि थोड़ा दूर पड़ जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, मैं आगे को ले चलता हूँ आपको। सो ये हमारा हॉस्टल जो है थर्ड ईयर का हॉस्टल नज़र दिख रहा हुआ होगा। थर्ड ईयर में हमने यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया। इसके अलावा ये यहाँ पे कैंपस शॉप है जहाँ से हम कुछ भी खरीदा करते थे जब भी ज़रूरत पड़ती थी। सो यहाँ पे एक स्कूटी लगी है, लेकिन सामने देख रहे हो आप भैया जी हाथ हिला रहे हैं, सैंडी भाई। भाई सैंडी भाई जी काफ़ी शरीफ इंसान हैं। सो मैं इनकी तरफ जा रहा हूँ, लेकिन इनसे रूबरू करवाऊँ उससे पहले मैं थोड़ा आगे चले जाता हूँ क्योंकि भाई मुझे जाना है नीलकंठ। सो नीलकंठ जा रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा कुछ कुछ लड़के नज़र आ रहे हैं, मैं कैमरा मारूंगा। खैर ये गांव के लड़के हैं, इनके छोड़ो, इनसे क्या लेना है। सो मैं कैमरा मारता हूँ नीलकंठ की ओर। सो ये हमारा नीलकंठ छात्रावास जो है, यहाँ पे हम हमारा जो फाइनल ईयर कैंपस था। सो यहाँ पे देख रहे हो आज कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, काफ़ी दोस्त वगैरह होते थे, लेकिन आज के ब्लॉग में मेरा जो था आपको नीलकंठ तक पहुँचाना था। आप जुड़े रहिए मेरे ब्लॉगिंग चैनल से, मैं आपको कॉलेज का हर कैंपस, हर एक छोटा सा छोटा, और इवन के कुटिया फ्रॉग हिल तक ले जाऊंगा। सो ये मेरा कॉलेज जीबी पाइट का पहला व्लॉग था, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी बढ़िया लगा होगा। लेकिन इससे पहले लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना।